खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से। बताते चले कि सीतापुर जनपद के सीएमओ ऑफिस में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी कई प्रमुख मांगें रखी। उन्होंने मीडिया से बात कर बताया कि 1 अगस्त को डॉक्टर देवेंद्र का बराई जलालपुर में तबादला हुआ था, लेकिन वह जलालपुर अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए। वहीं 13 अगस्त को डॉक्टर संजीव की तैनाती जलालपुर में की गई, वो भी अपना कार्यभार नहीं संभाल पाए। फिर 17 अगस्त को डॉक्टर अनिल कुमार पंकज की तैनाती बराई जलालपुर की गई, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार पंकज खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष ने धरना कर सीएमओ से यह मांग रखी कि डॉक्टर पंकज का खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तबादला किया जाए, जिस पर सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि डॉक्टर अनिल कुमार पंकज का तबादला एलिया ब्लॉक कर दिया गया। ऐसा है, सबसे बड़ी तो सोचनीय विषय ये है कि 17 अगस्त को डॉक्टर अनिल कुमार पंकज का की तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बराई जलालपुर में कर दी गई थी और उसके बाद भी वो वहाँ पे अपना कार्यभार नहीं संभाले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही अपना कार्यभार संभालते और देखते रहे। इसकी वजह क्या है ये तो अधिकारी ही जानेंगे। ऐसी क्या साठगांठ है, ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो वहाँ नहीं गए जहाँ उनका ट्रांसफर था और जहाँ उनको कार्यभार संभालना चाहिए था, वहाँ वो नहीं संभाल के वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही कार्यभार अपना संभाल रहे थे। ये भी एक कार्रवाई का विषय बनता है और इस पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? इसके लिए सीएमओ साहब से वार्ता हुई है, उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा है कि कार्रवाई की जाएगी।